अब हम इस वीडियो लेक्चर में बीएससी फाइनल ईयर में आने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट तीन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जनरली उसको और तीन नामों से बुलाया जाता है। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जनरली जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में वो ये हैं। पहला है पावर हाउस ऑफ द सेल, दूसरा एटीपी मिल और तीसरा पावर प्लांट। ये तीनों नाम माइटोकॉन्ड्रिया को इस वजह से दिए गए हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल की एनर्जी करेंसी एटीपी का सिंथेसिस करता है। क्योंकि सेल को अपने काम करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। सेकेंड चीज़, अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एक हॉलो, मतलब अंदर से खाली बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। और ये ऑर्गेनल जो होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। ठीक, नेक्स्ट थिंग इज डिस्कवरी। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी सबसे पहले कॉलिकर ने की थी, और उन्होंने जो इंसेक्ट्स के पंख होते हैं उसके सेल्स में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को फाइंड किया था। इसके बाद साइंटिस्ट ने डिस्कवरी के बाद इसको कोई नाम नहीं दे पा रहे थे, तो सबसे पहले इसको साइंटिस्ट अल्टमैन ने नाम जो दिया वो बायोप्लास्ट था, क्योंकि प्लास्टिड की तरह इसमें भी डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। अगले साइंटिस्ट जो आए, जिनका नाम था सी बेंडा, उन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोप्लास्ट नाम किसने दिया और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया। बायोप्लास्ट अल्टमैन ने दिया था और माइटोकॉन्ड्रिया सी बेंडा ने दिया, और इसकी डिस्कवरी कॉलिकर ने की थी। ये याद रखना, बॉटनी में इतने ईयर्स याद रखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट के नाम जो है वो याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो नॉर्मली जो मैं बता रहा हूँ वो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सबसे कम और सबसे ज़्यादा दो टाइप के सेल्स में बताएंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर एक सेल में, तो पहला जो है एक माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, तो जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है वो है क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। सेकेंड चीज़ जो है, जिस पर सेल में 500,000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, तो ये वही सेल्स होते हैं जो कॉलिकर ने डिस्कवर किए थे। फ्लाइट मसल सेल ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब इंसेक्ट्स के जो पंख होते हैं उनके सेल्स को जब स्टडी करा गया तो पर सेल 500,000 माइटोकॉन्ड्रियास मिले। अकरेंस, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है एक्सेप्ट ममेलियन आरबीसी, क्योंकि ममेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, इस वजह से यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है। ममेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस इस वजह से नहीं होता क्योंकि उसको हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के लिए जगह बनानी पड़ती है ऑक्सीजन के कंडक्शन के लिए। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है सिवाय मैच्योर ममेलियन आरबीसी के। इसके बाद फंक्शन की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल में फंक्शन क्या क्या करता है। पहला फंक्शन तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सेल के अंदर जितने भी काम होते हैं वो उन सभी कामों को करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो एटीपी होती है, और उस एटीपी का प्रोडक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। दूसरा है साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जब भी फूड का डिग्रेडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, क्योंकि वहाँ पे वो सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो एटीपी के सिंथेसिस करने के लिए रिक्वायर्ड होते होंगे और जो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मेशन ऑफ योक, जो एग वगैरह होते हैं या जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है उसमें मदर बॉडी फीटस को डेवलप करने के लिए थोड़े अमाउंट में योक प्रोड्यूस करती है, और उस योक का जो प्रोडक्शन होता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है, और इस योक के प्रोडक्शन की प्रोसेस कहलाती है वाइटैलोजेनेसिस। नेक्स्ट चीज इज माइटोकॉन्ड्रियल, नेक्स्ट थिंग ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, इस वजह से ये मैटर्नल या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वो इनहेरिटेंस होता है जिसमें मदर के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियस का इंडिपेंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट डीएनए इसके पास अपना खुद का होता है। और नेक्स्ट थिंग जो है वो ये है कि सेल के अंदर जो कैल्शियम का लेवल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया मेंटेन करता है। कैसे, अगर ज़्यादा होते हैं तो वो स्टोर कर लेता है, और कम होते हैं तो स्टोर करे हुए कैल्शियम को रिलीज़ कर देता है। ये रहा मेन माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन।
नेक्स्ट थिंग है क्लोरोप्लास्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो क्लोरोप्लास्ट को जो जनरली नाम दिया जाता है वो किचन ऑफ द सेल होता है, क्योंकि यहाँ पर खाना बनाने की प्रोसेस होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जो डिस्कवरी थी क्लोरोप्लास्ट की वो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने की थी, वही साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहला लिविंग सेल ढूंढा था। और ये जो वर्ड था क्लोरोप्लास्ट वो जो दिया था वो थे साइंटिस्ट स्किम्पर। क्लोरोप्लास्ट की डेफिनेशन दी जाए तो ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट पर सेल जो है वो पाया जाता है वॉलवॉक्स में और यूलोथ्रिक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा 500 पर सेल, तो वो एग्जाम्पल जो होगा वो होता है कारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की शेप की, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं और इन पे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो कप शेप्ड होते हैं वो किस किस में पाए जाते हैं, तो वॉलवेक्स एंड क्लेमाइडोमोनास। गर्डल शेप मतलब होता है तवे जैसे आकार के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो पाए जाते हैं यूलोथ्रिक्स में। स्पायरल या रिबिन शेप मतलब रिबिन जैसा जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो काय में पाया जाएगा, स्पायरोगायरा में, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि रिबिन शेप क्लोरोप्लास्ट किस में मौजूद होता है। और ओवल शेप जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हायर प्लांट्स में पाया जाता है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे ना सब में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। अब हम फंक्शंस की बात करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन क्या हैं। पहला तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की पूरी रिएक्शन कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, मतलब जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस में वो सारी की सारी यहीं पे होती है। लाइट रिएक्शन यहीं होगी, डार्क रिएक्शन यहीं होगी, ऑक्सीजन जो इवॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में वो भी यहीं पे होगा, और फॉस्फोराइलेशन मतलब लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन भी यहीं पर होता है। नेक्स्ट थिंग जो है वो है साइटोप्लाज्मिक और मैटर्नल इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का डीएनए मौजूद होता है। जो कैरेक्टर साइटोप्लाज्म मदर पास करती है ऑफस्प्रिंग में वो सारे के सारे कैरेक्टर इसी के थ्रू जाते हैं, बट ये प्लांट्स के केसेस में होता है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो फिर वो जो रिस्पॉन्सिबल होगा मैटर्नल इनहेरिटेंस के लिए वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वैक्यूल। वैक्यूल जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है वेकस, खाली, ठीक है, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो अंदर से पूरी तरीके से खाली होता है। इसकी डिस्कवरीज पलेंजिनी ने की थी प्लांट सेल में सबसे पहले, उन्होंने सबसे पहले प्लांट सेल में वैक्यूल को देखा था। अब वैक्यूल की बात करें तो अकरेंस से कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। सबसे पहला जो होता है एक मच्योर प्लांट सेल जो होता है उसके अंदर एक बड़े साइज का वैक्यूल मौजूद होता है जो सेल के अंदर की 90% स्पेस को कवर कर लेता है। और अगर हम दूसरी बात करें तो जो एनिमल सेल होता है उसमें वैक्यूल जो होता है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं। यही डिफरेंस इन दोनों के बीच में कि प्लांट सेल में, मच्योर प्लांट सेल में एक लार्ज साइज वैक्यूल मौजूद होगा जो 90% स्पेस कवर करेगा, और एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होंगे लेकिन उनका नंबर बहुत ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन की बात अगर हम करें तो वैक्यूल जो है वो 90% स्पेस कवर कर रहा है, तो जैसे जैसे वैक्यूल का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे सेल का साइज भी बढ़ता चला जाएगा। तो पहला पॉइंट हो गया हेल्प इन इलॉन्गेशन ऑफ सेल, सेल के बढ़ने में मदद करता है। दूसरा रिजर्वॉयर फॉर प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मतलब सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होंगी और उनके लिए जितने भी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी उन प्रोसेस को करने के लिए वो सारे के सारे वैक्यूल के अंदर स्टोर्ड हो जाते हैं। तीसरा होता है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, जो वैक्यूल होता है उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है आउटर सराउंडिंग के कंपैरिजन में, जिस वजह से सेल जो है ऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा अपने अंदर वाटर लेता है और सेल के अंदर उसकी टर्गर स्टेट जो होती है वो बनी रहती है। मतलब हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो वाटर का जो लेवल है सेल के अंदर हमेशा सही बना रहेगा और सेल जो है वो टर्गर बना रहेगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्यूल, मतलब कितने टाइप्स के वैक्यूल होते हैं। तो जो सबसे पहला वैक्यूल होता है वो होता है सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल में मौजूद होता है और इसमें नॉर्मली स्टोर्ड होते हैं प्रोडक्ट सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए। जितने भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट्स होंगे वो सबके सब सैप वैक्यूल में मौजूद होंगे। सैप का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, सैप का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है वाटर प्लस मिनरल, मतलब जितने भी वाटर, मिनरल, अमाइनो एसिड्स वगैरह, शुगर और कलर्ड सब्सटेंसेस जो होंगे
वो सब कुछ इसके अंदर मौजूद होंगे। सेकंड होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, नाम से समझ में आ रहा है जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ सकती है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो फ्रेश वाटर एनिमल्स और कुछ प्रोटोजोअन्स में पाया जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना। ये क्या करते हैं, जैसे ये ऑर्गेनिज्म मतलब इनके अंदर खाना जैसे ही डाइजेस्ट हुआ तो ये वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होगा और उनके अंदर जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो बाहर रिलीज हो जाएगा, तो एक्सक्रीशन। दूसरा ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन कैसे, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ये एक पंप की तरह काम करता है, जैसे ही पानी की ज़रूरत पड़ती है तो पानी अंदर खींच लेता है तो वाटर का और मिनरल का कंसंट्रेशन बना रहता है, और जैसे ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होने लगता है तो एक पंप की तरह उनको बाहर फेंक देता है। तो ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है कि वाटर का और मिनरल का लेवल बनाए रखता है, और एक्सक्रीशन का मतलब जो भी सेल के अंदर खाने के बाद या सेलुलर एक्टिविटी के बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनेगा उसको पुश करके बाहर निकाल देना। सेकंड जो है वो है फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल मतलब जहाँ पर खाना स्टोर्ड होता है। तो ये भी दो तरीके के होते हैं, अगर फूड वैक्यूल में सॉलिड फूड स्टोर है तो हम उसको फैगोसोम बोलेंगे, और अगर लिक्विड फूड स्टोर है तो हम उसको फिनोसोम बोलेंगे। ठीक, अगला टाइप का जो फोर्थ टाइप का वैक्यूल है वो है गैस वैक्यूल, नाम से समझ में आ रहा है 90% स्पेस किसी भी सेल के अंदर वैक्यूल कवर कर लेता है। अब एक गैस वैक्यूल क्या करेगा, जब इसके अंदर हवा भरी होगी, नाम से गैस समझ में आ रहा है, इसके अंदर हवा भरी होती है तो ये पानी में रहने वाली ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये उसको पानी में तैरने में मदद करता है, क्योंकि उसमें गैस भरी होगी तो वो डूबेगा नहीं, और डूबेगा नहीं तो वो फ्लोट करेगा।